कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता को 10 लाख रुपए के साथ में गिरफ्तार किया है। साथ में टीम ने अधिशांसित अभियंता से भी 67,000 रुपए बरामद किए। जानकारी के मुताबिक ये राशि ठेकेदारों से एक कमीशन के रूप में ली गई थी। एसीबी के एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि बारां जिले के अटरू में जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता मोहनलाल शर्मा ठेकेदारों से कमीशन की वसूली कर कोटा आ रहे हैं। सूचना पुख्ता होने पर एसीबी ने बारां टोंक हाईवे पर नया नोहरा तिराहे पर संदिग्ध गाड़ी को रुकवाया और उसकी तलाशी ली। इस गाड़ी में अधिशांसी अभियंता सत्येंद्र पारिक, सहायक अभियंता मोहन लाल शर्मा और सहायक अभियंता प्रकाश मीणा बैठे हुए थे। इसी तलाशी में इस गाड़ी से करीब 10 लाख रुपए बरामद हुए। इसके बाद में साथ में सत्येंद्र पारिक के पास से भी 67,000 रुपए बरामद किए गए। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अटरू में सिंचाई विभाग के एजेंट है मोहनलाल शर्मा। ये ठेकेदारों से जो उनके इलाके में काम चल रहा है उसका कमीशन जो उनका है वो इकट्ठा करके अपने घर कोटा आ रहे हैं। इस सूचना पर अजीत बागडोलिया हमारे इंस्पेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में एसीबी कोटा सिटी की टीम ने नाकाबंदी करी। हमारे पास टिप ऑफ था कि एक्सएम की बोलेरो में ये आ रहे हैं, सरकारी बोलेरो में। हमने उस गाड़ी को पकड़ के रोक कर उसमें तलाशी ली तो जो मोहनलाल शर्मा का बैग था उसमें हमें 10 लाख रुपए मिले हैं और 67,000 रुपये हमें एक्सएम के पास मिले। हम इन्हें लेकर चौकी आए हैं और इनसे पूछताछ